नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल राव नर्सिंग एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो शुरू करने से पहले वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल में सब्सक्राइब बटन है उसको हिट करिए, और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी इंक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन डी इंक्रीज मसल एक्टिविटी। तो प्लीज गैस करें, इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइन। तो अगर आपने आंसर माना है ऑप्शन बी को तो आप एकदम सही हो। इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज डिटेक्टेड बाय और एसेस्ड बाय हाइपोटेंशन। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द नर्स रिक इज एडमिनिस्ट्रिंग ए 2 यूनिट पैक्ड आरबीसी ऑन ए क्लाइंट विद लो हीमोग्लोबिन। द नर्स विल प्रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू ट्रांसफ्यूज द ब्लड। ऑप्शन ए माइक्रोफ्यूजन सेट, ऑप्शन बी पॉलीवल ब्रोब्यूरेट सेट, ऑप्शन सी फोटोफ्यूजन सेट, ऑप्शन डी ट्यूबिंग विद एन इनलाइन फिल्टर। सो प्लीज गैस करें आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट हैज ए सेल लाइफ ऑफ 5 डेज। ऑप्शन ए पैक्ड सेल्स, ऑप्शन बी एफएफपी, ऑप्शन सी क्रायोप्रेसिपिटेट, एंड ऑप्शन डी प्लेटलेट। सो प्लीज गैस करें, एंड द राइट आंसर इज प्लेटलेट हैज द सेल लाइफ ऑफ 5 डेज। ओके, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द फॉलोइंग आर ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए हाइपोमैग्नीशिमिया, ऑप्शन बी हाइपोथर्मिया, ऑप्शन सी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैलेमिया। सो प्लीज गैस करें, यहां पे एक्सेप्ट पूछा है तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट, सो द सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द फॉलोइंग्स आर इंडिकेशन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए पेरी ऑपरेटिव एनीमिया, ऑप्शन बी एक्यूट ब्लड लॉस, ऑप्शन सी एनीमिया विद इम्पेंडिंग सर्जरी, ऑप्शन डी फॉर ऑल पेशेंट बिफोर एनी मेजर सर्जरी एज ए रूटीन। सो प्लीज गेस करें, यहां पे एक्सेप्ट पूछा है इंडिकेशन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और अगर आपने माना है ऑप्शन डी तो आप एकदम सही हो, बिकॉज इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर ऑल पेशेंट बिफोर एनी मेजर सर्जरी एज अ रूटीन इज नॉट यूज। सो एक्सेप्ट पूछा है एंड डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6,
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग इज ए मस्ट प्रायर टू इन्फ्यूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन ए जेलाटिन, ऑप्शन बी डेक्सट्रिन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी एफएफपी. तो यहां पे पूछा है ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग मस्ट मतलब जरूरी है, इनमें से कौन से के इन्फ्यूज करने से पहले जरूरी है वो आपको बताना है कमेंट करके. तो प्लीज गैस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द डेक्सट्रिन द ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग इज मस्ट प्रायर टू इन्फ्यूजन. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7, रोजेंथल सिंड्रोम इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ विच फैक्टर. ऑप्शन ए सेकेंड फैक्टर, ऑप्शन बी फिफ्थ फैक्टर, ऑप्शन सी नाइन्थ फैक्टर, ऑप्शन डी इलेवन फैक्टर. सो टोटल 13 प्रोटीन फैक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रोजेंथल सिंड्रोम की, तो कौन सा फैक्टर कमी से होता है प्लीज गैस करें एंड कमेंट करें. और अगर आपने आंसर माना है ऑप्शन डी को तो आप एकदम सही हो. तो प्लीज कमेंट करके बताएं 11th क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होता है, कमेंट करें. सो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट फैक्टर होता है 11th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एनाफाइलेक्टिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ऑप्शन ए डिफरेंट फ्रॉम एन एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन बी द रिएक्शन इज सीन आफ्टर ए फ्यू ml ऑफ ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी वर्स्ट ब्लड प्रोडक्ट प्रिवेंट इट. ऑप्शन डी इट अकर इन IgG डेफिशिएंट पर्सन. सो यहां पे बताना था फॉल्स थिंग अबाउट एनाफाइलेटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इट अकर्स इन IgG डेफिशिएंट पर्सन. नो, सो डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैसिव ट्रांसफ्यूजन रिजल्ट्स इन ऑल एक्सेप्ट. ऑप्शन ए DIC, ऑप्शन बी हाइपोथर्मिया, ऑप्शन सी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. सो यहां पे एक्सेप्ट की बात हो रही है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन रिजल्ट्स इन ऑल एक्सेप्ट. सो प्लीज गैस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइपर कैल्सिमिया इज राइट आंसर. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार देने का क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन ए परफॉर्म साइटोकाइंस, ऑप्शन बी इन्फ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, ऑप्शन सी NTHLA-AB, ऑप्शन डी परफॉर्म प्रीफॉर्म IgM एंटीबॉडी. तो यहां पे बात हो रही है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट इंजरी के बारे में, सो प्लीज गैस करें एंड द राइट आंसर इज, और अगर आपने राइट आंसर माना है ऑप्शन सी को तो एकदम सही है, ट्रांसफ्यूज रिलेटेड एक्यूट इंजरीज ड्यू टू
एंटी HLA एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपोथर्मिया, ऑप्शन सी हाइपोमैग्नेशियमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैल्सिमिया। तो प्लीज गेस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। दीज थ्री आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बट हाइपोकैलेमिया इज नॉट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रू अबाउट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑप्शन ए गुड सोर्स ऑफ ऑल कोगुलेशन फैक्टर, ऑप्शन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए सिंगल यूनिट ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी कोगुलेशन फैक्टर लेवल आर इक्वल टू नॉर्मल प्लाज्मा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। तो प्लीज गेस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सेप्टिक शॉक, ऑप्शन ए वैसोप्रेशन, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी क्रिस्टलॉइड्स, ऑप्शन डी आयनोट्रोपिक एजेंट्स। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सेप्टिक शॉक आपको कमेंट करके बताना है। आई थिंक सभी जवाब दे सकते हैं इजिली, सो प्लीज गेस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्रिस्टलॉइड इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सेप्टिक शॉक। तो क्रिस्टलॉइड में क्या क्या आते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। तो मैं बताता हूं आपको, क्रिस्टलॉइड में 5% डेक्सट्रोज, 0.9% NS। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विद रेफरेंस टू फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए इट इज यूज एज वॉल्यूम एक्सपेंडर, ऑप्शन बी इट इज स्टोर्ड एट -40 to -50 degrees Centigrade, ऑप्शन सी इट इज ए सोर्स ऑफ कोगुलेशन फैक्टर एंड ऑप्शन डी इट इज गिवन इन ए डोज ऑफ 12 to 15 ml पर केजी बॉडी वेट। तो यहां पे नॉट करेक्ट कौन से स्टेटमेंट यूज करेक्ट नहीं है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, FFP is not a plasma volume expander, A is right. Question number 15, again very important question, which of the following is the best indicator of need for transfusion, option A urine output, option B hematocrit, option C color of the skin and option D clinical examination। तो प्लीज गेस करें इनमें से कौन सा बेस्ट इंडिकेटर होता है जो कि इंडिकेट करता है किसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो कमेंट करें, आई थिंक सभी कमेंट कर सकते हैं। सो बी इज राइट आंसर, हेमेटोक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, 5 स्टार देने लायक क्वेश्चन है। द पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ऑप्शन बी एंडोजेनिक शॉक, ऑप्शन सी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। सो प्लीज गैस करें, और अगर आपने गैस किया है ऑप्शन डी तो आप एकदम सही हो, बिकॉज इन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक द पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन बिलो आर कंपेटिबल विद रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन ए नॉर्मल सेलिन, ऑप्शन बी डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ऑप्शन सी एनी मेडिकेशन विद नॉर्मल सेलिन, ऑप्शन डी नो सॉल्यूशन आर कंपेटिबल विद ब्लड। सो प्लीज गैस करें, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगेन वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं हमसे, जल्दबाजी में क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं और कॉन्फिडेंस मारता है दोस्तों। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 है, ए पेशेंट विद ओ पॉजिटिव ब्लड रिसीव्ड ए पॉजिटिव ब्लड, द पेशेंट इज एट रिस्क फॉर, ऑप्शन ए फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन बी नन, ओ पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव आर कंपेटिबल ब्लड टाइप्स, ऑप्शन सी हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन डी एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सो प्लीज गैस करें और कमेंट करें, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भाई यहां पे ओ पॉजिटिव ब्लड रिसीव्ड बंदा है जिसके ओ पॉजिटिव ब्लड, और वो ए पॉजिटिव ब्लड रिसीव कर रहा है, तो मिसमैचिंग होगा। मिसमैचिंग के कारण किस चीज की रिस्क होगी, हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की रिस्क रहेगी, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, द न्यूरोजेनिक शॉक इज एसोसिएटेड विद विल विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, न्यूरोजेनिक शॉक इज एसोसिएटेड विद ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शन ए टैकीकार्डिक, ऑप्शन बी वार्म एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन सी डिक्रीज वेनस रिटर्न, ऑप्शन डी इंक्रीज वेस्कुलर कैपेसिटेंस। सो प्लीज गैस करें, और अगर आपने गैस किया ऑप्शन ए को तो आप एकदम सही हो, बिकॉज अदर थ्री आर द फीचर्स ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक, वार्म एक्सट्रीमिटीज, डिक्रीज वेनस रिटर्न एंड इंक्रीज वेस्कुलर कैपेसिटेंस आर द फीचर्स ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन। दोस्तों मिलते हैं एक नए क्विज के साथ जो कि आपको बूस्ट अप कर देगा, बाउंस बैक करेगा और आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज कमेंट करें, एंड और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू अमेजिंग क्विज के साथ, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।